हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन। द सन सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 1/2 डिग्री ऑन द अर्थ। इमेज ऑफ सन इज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन विल बी। तो बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपका ऐसा, और फोकल लेंथ दी है इसकी 100 सेंटीमीटर। तो मान लो आपका इमेज जो है इनफाइनाइट पर है, इमेज आपका इनफाइनाइट पर है सो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर है ना, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और लाइट जो आएगी इनफाइनाइट से कुछ ऐसे आएगी, एक लाइट कुछ ऐसे, ठीक। एंड बोथ विल, ये तो अनडेविएटली चली जाएगी एंड दैट विल कन्वर्ज एंड मीट एट द फोकस। ये आपका इमेज ऑफ टाइम, ये सन बन जाएगा आपका ऐसा। तो अब अगर मैं इस वाली रे को फॉलो करूं केवल, देखो ढंग से, ये ठीक है, ये स्ट्रेट जो आ रही है, एक ट्राइंगल दिखेगा आपको, और इस ट्राइंगल ये एंगल जो है वही हमें दिया हुआ है 1/2 डिग्री, यानी 0.5 डिग्री। तो 0.5 डिग्री हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं डी बाई एफ। सो डी इज नथिंग बट द 0.5 डिग्री इन टू एफ, और डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना। सो 1/2 इंटू पाई बाई 80 इंटू एफ। सो फोकल लेंथ कितनी दी है 100, तो ये हो गया 55/80। इसको लगभग 6 टाइम्स काट दूंगा और लगभग ये आएगा आपका 0.8, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो वो 8.73 mm बन जाएगा। mm। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। ऑल द बेस्ट।